भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्हि अच्युत सद्समागमः सद्समागमो यर्हि तर्हि तदैव सद्गतौ परे वरेशे त्वयि जायते रतिः। इस श्लोक के अनुसार इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए जब कोई जीव भगवान के शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है तब उसका जो ये जन्म मृत्यु का चक्र है उससे निकलने का मार्ग शुरू होता है। तो भगवान के जो भक्त हैं वे भगवान की भक्ति को अपने हृदय में धारण करते हुए भ्रमण करते रहते हैं, सबको ये अवसर प्रदान करने का कि वे भगवान को शरणागत हों, और यही एकमात्र उपाय है जीवों का ये आध्यात्मिक मार्ग आरंभ हो इसके लिए। उनमें से जो जिन जीवों को भगवान के शुद्ध भक्त प्रयास करते हैं मिलते हैं, उनमें से वे जो उनके उपदेश को धीरे धीरे सुनते हैं ग्रहण करते हैं, तो उनके उपदेश से वो जो माया रूपी पिशाची हैं उसका पलायन होता है, और उससे अज्ञात सुकृति उत्पन्न होते होते धीरे धीरे उस व्यक्ति के अंदर श्रद्धा भक्ति श्रद्धा उत्पन्न होती है। जैसा कि आज सुबह के प्रवचन में गुरु महाराज बता रहे थे कि प्रचारकों का क्या कार्य है, लोगों के हृदय में श्रद्धा रूपी बीज को बोना वपन करना, तो ये भगवान के भक्त के संपर्क में आने से होता है श्रद्धा रूपी बीज। श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी, और फिर जिनके अंदर ये श्रद्धा रूपी बीज जिनको जिनके हृदय के अंदर दृढ़ता से बैठता है वे लोग अभी भक्ति करने के अधिकारी होते हैं। तो आज जो ये दीक्षा समारोह है, जो भक्तगण आज दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं, वास्तव में ये दीक्षा केवल ऐसा नहीं है कि आज जो अनुष्ठान होगा वही केवल दीक्षा है। दीक्षा एक प्रक्रिया है जो केवल एक मात्र अनुष्ठान से सीमित नहीं है। दीक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बद्ध जीव का उद्धार होता है, भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित होता है, वो ये प्रक्रिया है। इसलिए केवल आज का ही अनुष्ठान नहीं है, ये अनुष्ठान जो आज है उसका एक विशेष महत्व है इस पूरी दीक्षा प्रणाली के अंतर्गत, जिसमें आज आप सभी भगवान के सम्मुख, सभी वैष्णवों के सम्मुख आप औपचारिक रूप से दीक्षा गुरु को स्वीकार करेंगे, दीक्षा गुरु आपको स्वीकार करेंगे एक शिष्य के रूप में, और आप अपने को प्रस्तुत कर रहे हैं औपचारिक रूप से कि हम अभी आपके शिष्य हैं, जैसे अर्जुन ने किया, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। तो ये जो आज इस स्तर तक अपने को गुरु के सम्मुख शरणागत होने तक की स्थिति में आने से पहले भी कुछ आवश्यकताएं, ऐसा नहीं है कि हमारी संस्था में ऐसा नहीं है कि सत्संग हो रहा है, स्टेज से अनाउंस किया गया जिसको भी दीक्षा लेनी आ जाइए, और तभी ऑन द स्पॉट लोग पहली बार
सत्संग में आ रहे हैं और वहीं ऑन द स्पॉट दीक्षा हो जाती है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो शरणागति है, इससे पहले की पूर्व तैयारी होती है। वो क्या तैयारी है? वो है ताप और पुनर, जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि पंच संस्कार हैं जो ये दीक्षा प्रणाली है उसके अंदर। सबसे पहला है ताप, अर्थात शिष्य को पूरी तरह से ये विश्वास हो जाना चाहिए वही वास्तव में शिष्य है, वही वास्तव में आज इस अनुष्ठान में आने के योग्य है, जिसको पूरी तरह से ये विश्वास हो जाए कि ये भौतिक जगत भोग करने का स्थान नहीं है और मैं भोगता नहीं हूँ। ये सबसे पहली योग्यता है। और ये जो समझ है ये हमें आगे तक पोषित करते रहनी है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारी दीक्षा हो गई और अभी ये समझ तो हमारे अंदर आ गई है तो अभी हम रिलैक्स हो सकते हैं, क्योंकि माया सदैव हमें भोग करने के लिए प्रवृत्त करती रहती है। इसीलिए शुरस्व धारा है ना, इस मार्ग को शुरस्व धारा कहा गया है। तो हमारी इस भौतिक जगत में जब तक हम पूरी तरह से कलमश से मुक्त नहीं होते, जब तक भी इस भौतिक जगत में हैं, तो तब तक ये हमेशा संभावना बनी रहेगी कि माया हमें च्युत करेगी, परास्त करेगी, प्रयास करेगी। इसीलिए ये समझ कि ये भौतिक जगत दुखालयम है, इसके ऊपर चिंतन मनन होते रहना चाहिए। इसके लिए जो सत्संग के अंदर, साधु संघ के अंदर शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन हमेशा से होते रहना चाहिए, दीक्षा से पूर्व और दीक्षा के उपरांत भी, और इस प्रकार से जो भक्ति के सभी अंग हैं वो साधन भी हैं और साध्य भी हैं, क्योंकि यही साधना भक्ति की परिभाषा भी है। तृतीय साध्या भवे साध्य भावा इति साधनाभिधा, जो सिद्ध अवस्था में जो हम क्रियाएं करते हैं वही क्रियाएं हम साधन के रूप में अभी करते हैं, लेकिन जिससे वो जो साध्य भाव है, जो पूर्ण अवस्था में जो हमारी पूरी स्पष्ट समझ है, भावना है कृष्ण प्रेम की, भगवान के प्रति लगाव की जो भावना है, उस भावना को प्राप्त करने के लिए हम उन्हीं क्रियाओं को करते हैं जो शुद्ध अवस्था में, मुक्त अवस्था में जिन क्रियाओं को हम करते हैं। तो क्रियाएं वही हैं, केवल जैसे श्री प्रभुपाद बोलते थे कच्चा आम और पक्का आम, है तो आम ही, यानी कि क्रियाएं वही हैं जो सिद्ध अवस्था की हैं, लेकिन अभी वो परिपक्वता नहीं है और साधन भक्ति से वो परिपक्वता प्राप्त होगी। तो इसीलिए ये जो समझ है कि ये भौतिक जगत दुखालयम है, इसके लिए हमें शास्त्र अध्ययन और जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं उसको मनन करना, समझना, संसार में जब हम रहते हैं तो कैसे शास्त्र यहाँ पर लागू होते हैं। ताप, तो ये बहुत ही जगह दुखालयम है। जैसे कि सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु के समक्ष गए तो उन्होंने इसी प्रकार से अपने को प्रस्तुत किया के आमी केने अमाय जारे ताप त्रय, यहाँ नहीं जानी के मौन हित होय, कि मैं कौन हूँ और ये तीन ताप मुझे क्यों सता रहे हैं। अगर मैं यही नहीं जानता हूँ, मतलब मैं ये नहीं जानता हूँ, इसलिए क्या संभावना है कि मैं अपना हित कभी कर पाऊँगा। तो ये समझ सबसे पहली आवश्यक है कि हम बहुत ही विषम स्थिति में हैं, बहुत भयानक स्थिति में हैं, हम वास्तव में अत्यंत दुखमय स्थिति में। ये जो साक्षात्कार है कि ये भौतिक जगत दुखालयम है, ये भी सुगमता से सामान्यतया साधु संघ से ही प्राप्त होता है, जो अनायास हमको मिलता है। साधु की कृपा से हमको वो उनका संग प्राप्त हुआ, जिससे उनके वचनों के द्वारा हमारे अंदर सबसे पहले ये समझ आई कि हाँ सही बात है, मेरी तो स्थिति बड़ी दुखमय है। नहीं तो अन्यथा लोग दुख तो अनुभव करते रहते हैं लेकिन उनको साक्षात्कार नहीं होता है दुख से, क्योंकि कोई भी परिस्थिति में, दुख की परिस्थिति में भी व्यक्ति को हमेशा आशा बनी रहती है कि ये एक दिन ठीक हो जाएगा सब, एक दिन तो इस भौतिक जगत में हम अच्छे से रह जाएंगे। तो ये विश्वास, ये जो गलत विश्वास है, ये पहले ख़त्म होना ज़रूरी है। ये सबसे पहली योग्यता है। अगर कभी भी हमारे जीवन में ये समझ के अंदर शिथिलता आ जाती है
तो फिर हम फिर से वहीं से हम ढीले हो जाते हैं भक्ति करने में। इसलिए ये समझ हमेशा हमें बना के रखने की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान भी, यद्यपि जब हम दीक्षा लेते हैं, शरणागत होते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण करे तारे आत्मसम, जब हम दीक्षा लेते हैं तो उस समय कृष्ण हमें हमारे सभी कर्म फलों से मुक्त कर देते हैं, किंतु कृपावश, क्योंकि अभी हमारा प्रवेश हुआ है भक्ति में, अभी हम साधक हैं, हम सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए हमारे अंदर जो अनर्थ हैं अभी भी तो बाकी हैं, लेकिन हाँ हमारी अभी श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, लेकिन अभी पूर्ण शुद्धि नहीं हुई है। तो इसलिए उस मार्ग में चलने के लिए जो कुछ हमारे कर्म फल हैं वो भी भगवान परोक्ष रूप से वो हमें देते हैं, जिससे कि ये भौतिक जगत के अंदर हमारी आसक्ति ना हो। तो ये इसलिए भक्त समझता है कि भगवान जो भी कष्ट हमें देते हैं वो उनकी करुणा है, उनकी कृपा है, क्योंकि उसके माध्यम से वो हमें इस भौतिक जगत के प्रति अनासक्त रहने की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये प्रथम चीज़ है योग्यता। दूसरी है फिर उसके आगे कि मैं इस अपनी दुखमय स्थिति से अपने आप अपने को बाहर नहीं निकाल सकता, ये समझ। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मायावादी हैं वे भी ये चीज़ तो समझ लेते हैं कि जगत दुखालयम है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते माम एव ये प्रपद्यन्ते, कि केवल जो भगवान की शरण में जाएंगे वही इस माया से मुक्त हो सकते हैं, ये बात वो नहीं समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम अपनी तपस्या के बलबूते पर अपने प्रभाव से हम अपने को बचा सकते हैं। इसलिए ये दूसरी समझ जरूरी है कि हम पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हैं। और फिर ये जो हमें भक्त संग प्राप्त हुआ है उससे हमें संबंध ज्ञान प्राप्त होता है। उस संबंध ज्ञान के द्वारा हमें यह समझ में आता है कि जीव कृष्ण दास, जीव जो है वो कृष्ण का दास है, हम सब भगवान के दास हैं। कृष्णा भूलिया, भगवान को भूल करके ही अनादिर बहिर्मुख, बहुत समय से हम बहिर्मुख हो गए हैं, अतएव माया तारे दे संसार दुख, इसलिए माया हमको ही संसार का दुख, ये कारण हमको पता चलता है। हमारे दुख हैं, पहले दुखी हैं, और दुख का कारण ये है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं, कृष्ण की दास्यता को भूल गए हैं, हम स्वयं मालिक बनना चाहते हैं। ये अच्छे से समझ में आना चाहिए, दुख का कारण ये है, हमारे कष्ट का कारण। और उपाय क्या है? अभिधेय। उपाय क्या है? कि उपाय है नैषां मतिस्तावद् रुक्रमाङ्घ्रिम् इस प्रशति अनर्थोपगमम यदर्थः महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम नवृणीत यावत्। तीसरी ये समझ होनी चाहिए कि जब तक मैं भगवान के एक शुद्ध भक्त के चरण की रज को धारण नहीं करूँगा, जब तक मैं अपने को पूरी तरह भगवान के एक प्रतिनिधि के चरणों में समर्पित नहीं करूँगा, तब तक मैं इन अनर्थों से जो मुझे इस भौतिक जगत में बांधे हुए हैं मैं उससे नहीं निकल सकता। तो भगवान की शरणागति लेने का जो उपाय है वो भगवान के एक भक्त की शरणागति, शरणागति जरूरी है। शरणागति का मतलब नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्याद यक्षोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप पत्नम रदनम राज्यम सुराणाम अपि चाभिपद्यम, कि ये भौतिक जगत दुखालयम है और भगवान आपके अलावा और कोई मेरा उपाय नहीं, इसको शरणागति। शरणागति अर्थात जिसमें दैन्यता का बोध हो कि मैं अक्षम हूँ और भगवान सक्षम है, भगवान माया के पति हैं, मैं अक्षम हूँ लेकिन भगवान माया के पति हैं, इसलिए मैं अपने आप नहीं निकल सकता, लेकिन अगर भगवान की शरण में आऊँगा तो निश्चित निकल जाऊँगा। और भगवान की शरणागति कैसे हम धारण करते हैं? वो भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से धारण करते हैं।
इसलिए भगवान ने भगवद्गीता में बताया, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिनः। इसीलिए मुझे जरूरत है कि मैं भगवान के एक प्रतिनिधि की शरण ग्रहण करूं। तो फिर साधु संघ में धीरे धीरे हम ये श्रवण करना श्रवण करते हैं कि साधु के लक्षण क्या हैं, भगवान के प्रतिनिधि के लक्षण क्या हैं। उसके लिए हमें कुछ आधारभूत भगवान का जो संदेश है, संबंध ज्ञान, जो भगवान परम सत्य क्या हैं, हम कौन हैं, ये प्रकृति क्या है, कैसे हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, भगवान की क्या उपाय भगवान ने हमें दिया है इस जगत से निकलने के लिए, ये सब आधारभूत चीज़ों को जानना और फिर ऐसे भगवान के एक प्रतिनिधि को ढूंढना जो पूरी तरह से इस संबंध ज्ञान में स्थित हैं, अभिधेय में स्थित हैं, और उनकी शरण प्राप्त करके वे हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं जिससे हम भी इस भौतिक जगत से पूरी तरह से निकल सकें। ऐसे व्यक्ति को गुरु कहते हैं, ऐसे भगवान के एक भक्त, और फिर हम अपने को पूरी तरह से उनकी उनके चरणों में रखें। तो इसके लिए विनम्रता चाहिए। ये जो हमारा मिथ्या अहंकार है, जो मूल कारण है इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में बने रहने का, जब तक ये मिथ्या अहंकार द्रवित नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, तब तक हम वास्तव में शरणागति नहीं ले सकते। और जब तक शरणागति नहीं है, तब तक हमारा भक्ति में प्रवेश नहीं होता है। जो श्रद्धा है उसकी अभिव्यक्ति शरणागति से ही होती है। जो कहा गया है, श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी, श्रद्धावान व्यक्ति ही भक्ति का अधिकारी है, तो वो श्रद्धा है कि नहीं है उसका पता चलता है ये शरणागति से। और शरणागति के अंदर ये समझ जरूरी है कि मैं अत्यंत तुच्छ हूँ और मैं पूरी तरह से भगवान पर निर्भर हूँ, मैं अपने आप अपना भला नहीं कर सकता। आनुकूलस्य संकल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम। पहले दो चीज़ें, फिर रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णन तथा। भगवान अपने शरणागत की रक्षा करते हैं, और शरणागति का अर्थ है कि भगवान ही हमें पालन कर रहे हैं। हमारे पास हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो केवल भगवान की कृपा से, भगवान के जो हमारे गुरु हैं उनकी कृपा से ही हम कर पाते हैं। तो भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है, हमारी अपनी शक्ति नहीं है। और फिर इस समझ से ये शरणागति के चार ये हुए, और उसके बाद में फिर जो भी हमारे जो भगवान की इच्छा है वही हमारी इच्छा हो, और हम हमेशा से बड़े तुच्छ हैं, ये छह जो चीज़ें हैं इसको अपने जीवन में अपनाना, इसको ये शरणागति के छह सिद्धांत हैं, षडविधा शरणागति। तो इनको हमें अनुशीलन करना होता है। आज जो आप लोग इस स्तर तक यहाँ पर आए हैं, तो ये अपेक्षित है कि इसका आपने अभ्यास किया है, जिससे कि आज आप भगवान के समक्ष, वैष्णवों के समक्ष आप जो हैं गुरु को शरणागत हो रहे हैं। और ये शरणागति की भावना धीरे धीरे आपकी और प्रगाढ़ होगी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, ऐसी अपेक्षा है। और उसके अनुसार फिर जैसे जैसे शरणागति और बढ़ेगी और आपकी भक्ति में प्रगति होगी, वैसे वैसे आपकी श्रद्धा का विकास होगा। इसलिए श्रद्धावान जन होए भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ भक्त श्रद्धा अनुसरी। तो श्रद्धा के अनुसार फिर कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम भक्त। तो धीरे धीरे श्रद्धा जो है प्रगाढ़ होती जाएगी, प्रगाढ़ होती जाएगी, और कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम, इस प्रकार से बनती जाएगी। और उस श्रद्धा के विकास के अनुसार हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो मुख्य रूप से ये जो शरणागति से आरंभ होने वाला जो संबंध है गुरु के साथ, इस संबंध का सार है दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता वेदिकैस्तत्त्वकोविदैः। तो ये दीक्षा का
अर्थ है कि जिसमें एक शरणागत भक्त को, शिष्य को गुरु शास्त्रों की वाणी से भगवान के समीप ले जाता है। तो माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान, अतएव कृष्ण कृपाय कैलव वेद पुराण। क्योंकि हमें स्वतः भगवान का ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान ने कृपा करके हमें ये वेद पुराण दिए हैं। तो जब भगवान देखते हैं कि किसी व्यक्ति के हृदय में साधु संग से श्रद्धा उत्पन्न हुई है, तो फिर भगवान उसको आचार्य चैत्य वपुषा, आचार्य और चित्त के अंदर जो परमात्मा है, उन दो रूपों में उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। तो ये हमारे दो गुरु हैं, चैत्य गुरु और एक आचार्य। इन दोनों के माध्यम से भगवान उसका, जिसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हुई है, उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये जो आचार्य हैं, जो हमारे गुरु हैं, अभी जिनको हम शरणागत हो रहे हैं, हुए हैं, अभी वे हमें ये शरणागति का गुण के कारण वे हमें अभी ये जो दिव्य ज्ञान है, जो माया को समाप्त करके और पूर्ण रूप से कृष्ण के साथ हमारे संबंध को स्थापित करेगा, वो हमारे हृदय में प्रकाशित करते हैं। यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैत कथिता ही अर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। शास्त्रों का जो ज्ञान है भगवान की वाणी है, लेकिन उस वाणी को आत्मसात करने की एक विशेष पद्धति है। वो एक बौद्धिक क्रिया से, शास्त्रों का अध्ययन करने से वो प्राप्त नहीं होती है, वो एक विशेष प्रणाली है। वो विशेष क्या है? यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जिसकी गुरु में और भगवान में निष्ठा है, श्रद्धा है, शरणागति है, उसके हृदय में भगवान ये ज्ञान प्रकाशित करते हैं। अतः श्री कृष्ण नामादि ना भवेत ग्राह्यम इंद्रियई सेवोन्मुख ही जिवादौ स्वयमेव सूर्त्यधा। इसलिए शास्त्र का वचन है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला ये भौतिक नहीं है, और वर्तमान समय में हमारी सारी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक इंद्रियों से आवृत्त हैं, हमारी जो आध्यात्मिक इंद्रियां हैं। तो ये जो भौतिक इंद्रियां हैं, इनसे भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि ग्राह्य नहीं है। लेकिन जो भी सेवोन्मुख होता है, गुरु के माध्यम से भगवान की सेवा करना सीखता है, वो उसके लिए ये सारी भौतिक इंद्रियों का आवरण समाप्त होता है और भगवान उसको अपने को प्रकाशित करते हैं। तो ये विधि है जिसके द्वारा हमें ये दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा। तो दीक्षा वो एक आध्यात्मिक जीवन का आरंभ है। जैसे एक यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेते हैं, उसी प्रकार से आज मतलब नॉट एग्जैक्टली आज, प्रक्रिया है पहले से शुरू हुई है, लेकिन आज उसका सॉलिडिफिकेशन है, कंसोलिडेशन है आज। तो उस प्रक्रिया से आज एक जीवन, नया जीवन आरंभ हो रहा है। वास्तव में आज ही वास्तविक जन्म है। प्रति जन्म में, हर जन्म में सबके एक शरीर के माता पिता होते हैं, लेकिन मनुष्य जन्म में जिसको गुरु मिलते हैं वो वास्तविक जन्म है, इसलिए वो द्विजा भी कहलाता है, दूसरा जन्म, जब हमें गुरु के रूप में पिता मिलते हैं। जो अभी हमें वेद, जो माता हैं, इन दोनों के द्वारा अभी हमें आध्यात्मिक जो शरीर है हमारा, उसका पोषण होगा। हमारी जो भौतिक माता है उसके द्वारा हमारा भौतिक शरीर बनता है, लेकिन अभी गुरु और वेद वाक्य के द्वारा हमारा जो ये आध्यात्मिक स्वरूप है वो प्रकट होगा, है ना, हमारा स्वरूप जो है वो विकसित होगा। तो इसलिए वास्तव में मनुष्य जीवन की ये वास्तविक जन्म है, ये द्विजा। तो जैसे हम कल भी कुछ चर्चा इसके विषय में किए थे कि अलग अलग दीक्षा प्रणाली हैं, तो ये जो वैदिक दीक्षा प्रणाली है उसमें संस्कार के माध्यम से शुद्धिकरण होता है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, और उसमें
मुख्य रूप से संस्कारों के अंतर्गत निहित है कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार वर्ण के कार्य करना, उसी वो मुख्य है। और उसी के अंतर्गत फिर जन्म, माता पिता कौन हैं, ये सब चीज़ें भी संस्कार का ही भाग होता है और इसी से शुद्धि होती है। लेकिन कलौ शूद्र संभव, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है समझने की। कलयुग में सब शूद्र हैं, तो कोई ऐसा गर्व करने की बात ही नहीं है कि हमारा जन्म, सबका जन्म तो संस्कार अविच्छिन्न, संस्कार विच्छिन्न हो चुके हैं, सबके समझा छिन्न भिन्न हो चुके हैं। तो इसलिए कलौ शूद्र संभव, सभी शूद्र ही हैं, जन्म से सभी शूद्र ही हैं। जन्म से शूद्र अर्थात हमारे जो जो वंश है, वंश की दृष्टि से हमारा कोई, हम नहीं कह सकते हैं कि कोई भी उच्च संस्कार हमें प्राप्त हुए, उच्च वर्ण है। इसीलिए इस समय के लिए शास्त्रों के जो तरीका है बताया गया शुद्धिकरण का, वो है भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान की शरणागति ही एकमात्र उद्धार का उपाय है। इसलिए ये जो दीक्षा प्रणाली है, इसका आधार यही है, भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान की शरण ग्रहण करना। जो अन्य वैदिक प्रक्रिया है, उसमें हम संस्कारों के द्वारा धीरे 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 शुद्ध होते 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 कई कई जन्म लगते हैं उसमें। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कई कई जन्म लगते हैं। वो जन्म जन्म धीरे धीरे तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण, फिर एक सात्विक गुण के अंतर्गत भगवान की शरण प्राप्त, एक ब्राह्मण जन्म प्राप्त होना, और फिर ब्राह्मण जन्म प्राप्त होने के बाद में फिर एक वैष्णव, वैष्णव को प्राप्त होना, वैष्णवता को प्राप्त होना। लेकिन इस वर्तमान समय में कलयुग के अंदर ये क्रमिक तरीका जो है वो संभव नहीं है, क्योंकि सभी जो संस्कार हैं वो शुद्ध रूप में नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हरर नाम हरर नाम हरर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। कलयुग में केवल एक ही उपाय है कि भगवान के नाम। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है कि हमारा जन्म तो है ही शूद्र, शूद्र से भी निम्न है ना। हमारे इतने सारे पाप कर्मों को लेकर के हम यहाँ हैं। यही तो कलयुग में जो भी जीव जन्म लेता है वो बहुत पाप कर्म करा हुआ है, इसलिए कलयुग में जन्म लेता है। तो इसलिए हम सभी की स्थिति बहुत ख़राब है। किंतु ये जो भगवान नाम है, ये इतना शक्तिशाली है कि ये जितने भी हमारे अंदर दुर्गुण हैं, जो भी कुछ है हमारा कलमश है ना, वो सबको ये समाप्त कर सकता है। मामि पार्थ व्यपाशित्य ये पि स्यु पाप योनया स्त्रियो वैश्य सता शुद्धा ते पि यान्ति पराम गतिम। लेकिन ये जो भगवान नाम है, इसको लेने में एक विशेष गुण चाहिए। यही रूपे लैले नाम प्रेम उपजाए ताहार लक्षण सुनो स्वरूप राम राय। जिस प्रकार से ये नाम लेने से ये सारा कलमश नाश होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, हे स्वरूप राम राय उसको सुनो, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। और फिर एक तरीका है, जैसा नाम लेने से ये सारा कलमश नाश होगा और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा है ना, वो उपाय फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। ये उपाय है, इस उपाय से नाम लेने से, हरि नाम इस उपाय से करने से, लेने से आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और फिर क्या बताते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। ये समझ के साथ जो हरिनाम लेगा वो शुद्ध हरिनाम ले पाएगा और उससे उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो। तो जो हरिनाम दीक्षा है वो ये तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना की अभिव्यक्ति है, क्योंकि इसमें हम शरणागत होते हैं, गुरु को शरणागत होते हैं, हम अपना अहंकार छोड़ते हैं, मैं कुछ नहीं हूँ, हेल्पलेस है ना। तो हरिनाम दीक्षा का, हरिनाम तो सब ले सकते हैं, वो तो हमें दीक्षा से पहले भी सर्वविदित है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम तो सबको विदित है। लेकिन ये नाम को किस भावना से लिया जाए कि वो शुद्ध हो, वो हम प्राप्त करते हैं दीक्षा से, ये मनोभाव गुरु के शिक्षा से और गुरु को शरणागत होने से ये मनोभाव हम प्राप्त करते हैं। तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनिया सदारी। अपने को तृण से भी तुच्छ समझना, वृक्ष से भी सहिष्णु,
सभी को अपने मान सम्मान को इच्छा ना करना और सदैव अन्यों को मान देने के लिए तत्पर रहना, इन गुणों से जो युक्त है वही शुद्ध नाम लेने के लिए योग्य बनता है। तो ये प्रैक्टिस हम करते हैं, ये करते हैं जब हम गुरु को शरणागत होते हैं, गुरुजनों को शरणागत होते हैं। तो ये हरिनाम दीक्षा का एसेंस है और आज से ये प्रारंभ करके इसका और अच्छे से हम अभ्यास करें और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ें और ध्यानपूर्वक जप करें, गुरु क्या कह रहे हैं, उनके निर्देश क्या हैं, उसको अच्छे से समझें, उसको अपने जीवन का प्राण बनाएं। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक ही गुरु नंदना, वही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।